दोस्तों Xiaomi का जो सब ब्रांड है Redmi, दो फोन अपना इंडिया में लॉन्च किया, K20 Pro और K20। आपको याद ही होगा लास्ट डे ही लॉन्च हुआ है, लेकिन सबने इसे बोला है ओवर प्राइस। मैं भी बताऊंगा ओवर प्राइस, लेकिन किस हिसाब से ओवर प्राइस ये भी बताऊंगा, क्यों ये ओवर प्राइस हुआ है ये भी बताऊंगा, साथ ही Xiaomi बाय Redmi बाय Xiaomi इसका सच्चाई बताऊंगा कि क्यों और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलिए डायरेक्ट आज इसी मुद्दे पर बात होगा, चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। दोस्तों ये Redmi के जो लॉन्च सेशन था उसमें आप कहीं भी आप एक चीज नहीं देखोगे कि Realme का नाम उन्होंने लिया है। जी हाँ, एक स्लाइड में उन्होंने उसका नाम रखा था, लेकिन उनके साथ उन्होंने बोला ऑल अदर ब्रांड, मतलब उन्होंने Realme का नाम भी नहीं लिया। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि उनका Realme से कोई भी कंपटीशन नहीं है, ऐसा वो लोग सोचते हैं, मतलब ये जो चीजें हैं। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि Realme और Redmi का कंपटीशन उन लोग के हिसाब से नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें इसका ओवर प्राइस क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका कंपोनेंट जो है, जैसे मान लीजिए सेल्फी कैमरा, पॉप अप सेल्फी कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले, बैटरी, फास्ट चार्जिंग, ये सब का एक बाई एक आप देखिए और ध्यान दीजिए कि इसका मिनिमम जो बजट में जो फोन आता है, चाहे पॉपअप सेल्फी कैमरा की बात करते तो आजकल अराउंड 15-16 हज़ार में पॉपअप सेल्फी कैमरा आ जा रहा है, ठीक है। एमोलेड डिस्प्ले की बात करते तो वो भी आ जा रहा 15-16 या 17 हज़ार में आ जा रहा। 4000 mAh की बैटरी है तो उसको हम छोड़ देते हैं, 5000 आ जा रहा है 12-15 हज़ार के बीच में। तो ये जो कॉम्पोनेंट है, देखिए उसका मिनिमम प्राइस कितना हो सकता है, दूसरे ब्रांड ने वो दिखाया है, लेकिन इन्होंने इसको पकड़ के कुछ अलग बताया। दोस्तों Redmi का जो प्रेजेंटेशन था उसमें हमें ऐसा फील हुआ कि ये जो डिवाइस है बहुत ही एडवांस, बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, वो प्रेजेंटेशन का एक टेक्निक था कि जिससे हमें ये फील कराने लगा कि ये डिवाइस बहुत ही अच्छा है। अब सिमिलरली मैं उसके कैमरा सेक्शन में आता हूँ तो उन्होंने आईफोन के साथ कंपेयर किया, अच्छे अच्छे वन प्लस डिवाइसेस के साथ कंपेयर किया। लेकिन अगर आपको मालूम है DxO Mark, जी हाँ, ये एक रैंकिंग साइट देती है कि किसका कैमरा कैसा है, तो उसमें ये जो डिवाइस है वो बहुत नीचे है। मतलब आपको P30 Pro ये सबसे टॉप में करता है, जिसका 112 का स्कोरिंग है, लेकिन OnePlus 7 Pro की बात करते हैं तो वो 4 नंबर पे आता है। इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो रैंकिंग है इसके ऊपर वो अपना कैमरा बता रहा। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ये उम्मीद करूँ कि ये जो कैमरा इन्होंने दिया अगर टॉप में आए तो क्या बात है। चलिए मान लीजिए P30 Pro की बात नहीं किया, लेकिन जो डिवाइसेस का बात किया उससे तो ऊपर आना चाहिए। लेकिन अभी भी ये रैंकिंग में इसका लिस्टेड नहीं है, शायद ये टेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन आपको ये समझ के आना है कि अगर ये डिवाइस का कैमरा इतना अच्छा है तो सब जानते हैं और सब ये कैमरा लेंगे। अगर दोस्तों अगर ऐसे आप सोचो कि अगर हमारे पास एप्पल और रेडमी का कंपेयर किया जा रहा है, तो रेडमी आता है मान लीजिए अभी की प्राइस 30,000 में, एप्पल आता है 1,00,000 रुपये में। तो रेडमी वाले को ये जरूरी सोचना होगा क्या कि एप्पल का फ़ोन पूरा साल में अगर 1,00,000 बिका तो रेडमी का जो बजट सेक्शन में फ़ोन है वो एक दिन में अराउंड 10,000 से 50,000 के बीच में बिक्री हो जाता है, जिस दिन सेल होता है। तो अगर सेलिंग क्या करना है, एक साल में 1,00,000 या एक सेल में 10,000 से 50,000, ये उनको डिसीजन लेना पड़ेगा इन द टर्म ऑफ फ्लैगशिप सेक्शन में। अगर आपको याद होगा MI का जो सेक्शन था वो बंद ही हो गया है, मतलब जो फ्लैगशिप वाला था वो यहाँ चलता ही नहीं था। MI का जो था सेक्शन वो एकदम बंद कर दिया है। तो मतलब Redmi के नाम से उन्होंने कुछ अलग सा हाइप बनाना चाहा और सोच रहे हैं कि ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि MI का क्या हाल हुआ था। वो एटलीस्ट ऐसा सेशन आ गया था जहाँ पर उन्होंने अपना फ्लैगशिप फ़ोन इंडिया में लॉन्च भी नहीं कर रहे। तो अगर Redmi वाले को अगर यहाँ पर फिर से वैसा फील हो इन द टर्म्स ऑफ सेलिंग ऑफ द क्वांटिटी ऑफ Redmi K20 Pro और K20, तो उनके पास फिर से ये सजेशन आएगा, मन में ध्यान आएगा कि नहीं, अभी इंडिया मार्केट को हम इतना हाई फाई डिवाइस के लिए रेडी नहीं कर सके हैं या भरोसा नहीं ले सके हैं। अभी भी Redmi को 20,000 में बेस्ट फ़ोन आपको मिल जाता है। कोई भी कंपेयर, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी रिव्यूअर बोलेगा कि हाँ ये फ़ोन ले लो, लेकिन K30 Pro के लिए ओवर प्राइस सबने बोल दिया। समझ में आया क्यों? Redmi अपना जो टारगेट रखा है वो OnePlus को रखा है। जी हाँ, OnePlus के साथ 10,000-5,000 का डिफरेंस करके डिवाइस लॉन्च कर रहा है। लेकिन असल में अगर हम आते हैं Redmi को, हम क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पेसिफिकेशन और अच्छा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दे के बजट में लेके आता है। पोको F1 की बात करते हैं, 20,000 से 25,000 में टॉप क्लास का परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर लेके आया था, तो कितना उन्हें सराहा गया था। चाहे फर्स्ट टाइम वो ब्रांड
अपना सब ब्रांड बना के लॉन्च किए थे, लेकिन फिर भी अभी तक बहुत बिक्री होता है। तो इस तरह से जो है रॉन्ग डायरेक्शन में K20 प्रो और K20 को लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि उनका सोच अभी थोड़ा चेंज हुआ है। लेकिन मैं एकदम उम्मीद से बोल सकता हूँ कि रियलमी कुछ ऐसा डिवाइस लेके आएगा तो यहाँ पर उन्होंने फिर से मार्केट में उनसे कंपटीशन करने के लिए और उनको सोचने पर मजबूर कर देगा कि रियलमी एक अच्छा कंपटीशन दे सकता है। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल्स था क्यों आपको ओवर प्राइस है K20 प्रो और K20। आशा करता हूँ वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दे दिया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्यूचर में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ।